नवोगच्छे से पटना पढ़ने आए 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने हथियार के बल पर शातिराना अंदाज में लाखों रुपए की ज्वेलरी व नगद की लूट की। एसएसपी ने किया मामले का उद्भेदन। भागलपुर पुलिस ने पटना के शिवपुर इलाके में 2 सितंबर को हुई लूट का खुलासा कर दिया है। आरोपियों तक पहुंचने के लिए 36 घंटे तक पुलिस वाले स्टूडेंट बनकर एक लॉज में रुके। आरोपियों ने महावीर ज्वेलर्स में हथियार के दम पर करीब 3 लाख रुपए की ज्वेलरी और 20,000 रुपए कैश की लूट की थी। वारदात के 10वें दिन पटना पुलिस ने इस कांड का खुलासा कर दिया है। एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा के खुलासे में सबको चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि लूट में शामिल 4 में से 3 आरोपी स्टूडेंट्स हैं। इनमें से एक डी फार्मा तो 2 लड़के इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे। तीनों ने अपने नवगछिया के दोस्त के साथ मिलकर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने हाथों में सर्जिकल ग्लव्स पहन रखे थे, जिससे एफसीएल की टीम को फिंगरप्रिंट नहीं मिल पाए थे। इस केस में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें शुभम कुमार, करण कुमार और आदित्य हर्षवर्धन शामिल हैं, जबकि नवगछिया से आया इसका 4था साथी आशीष फरार है। इन तीनों को पुनाईचक के एक लॉज से पकड़ा गया। इनके पास से लूटी गई पूरी ज्वेलरी बरामद हो गई है। वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्टल, 2 मैगजीन, 14 गोली और 2 बाइकों को भी बरामद किया गया है। रविवार को खुलासा करते हुए एसएसपी ने बताया कि 7 और 8 सितंबर को ही इस कांड में पुलिस को लीड मिल गई थी, मगर किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई थी। दिक्कत अपराधियों की पहचान को लेकर थी। इतना पता चल गया था कि अपराधी पुनाईचक में अटल पथ से सटे एक लॉज में रहते हैं। फिर लॉज के मालिक के साथ सेटिंग की गई। पुलिस की टीम 36 घंटे तक 5 कमरों वाले लॉज में रही, अंदर ही अंदर छानबीन चलती रही, तब जाकर पहचान हुई। तीनों को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों आरोपी शिवपुर ईस्ट में कोचिंग में पढ़ते हैं। उसी दौरान रोड नंबर 0 पर महावीर ज्वेलर्स की रेखी की गई थी। इसके साथ पुनाईचक की लॉज में रहने लगे। शुभम नवगछिया का है तो आदित्य भोजपुर के रहने वाले हैं। एक के पिता ठेकेदार, दूसरे के पिता एफसीआई कर्मचारी, वहीं तीसरे के पिता बिल्डर हैं। शुभम कुमार व करण कुमार एक साथ लॉज में रहते हैं, जबकि आदित्य पटना के गर्दनी बाग में साईं मंदिर के पास सुंदरी इनवेल अपार्टमेंट में रहता है। ज्वेलरी शॉप के अंदर शुभम अपने फरार दोस्त आशीष के साथ गया था, जबकि करण और आदित्य बाइक लेकर बाहर खड़े थे। लूट के बाद दहशत फैलाने के लिए उस रात फायरिंग भी की गई थी। अगले दिन मीडिया में खबर आने के बाद ये डर गए थे। तीनों का ये पहला क्राइम था, इस कारण रुपए तो खर्च कर दिए लेकिन ज्वेलरी को बेच नहीं पाए। 50,000 में आशीष नवगछिया से ही 2 पिस्टल खरीद कर लाया था। एक बरामद हो गई, वहीं दूसरी आशीष के पास है, जिसे पकड़ने के लिए छापेमारी चल रही है। सर, एक 2 सितंबर को 50,000 रुपया को देगा फीस है। हमको तो लग रहा है कि भेजे कि ना भेजे, ये मन मन में आ रहा है। समझिए, मन तो इसके बाप को जेल भेज दो तो सिनेमा देखता है। आ गई मैडम, आ गई, आ गई तो बुला लो। सारा सारा सीट बना।